बस्ती में समाज के शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी पिता पर उसकी ही 19 वर्षीय बेटी ने अपने ही पिता पर जबरन दुष्कर्म करने के साथ धमकी देने का आरोप लगाया। घटना के बाद पिता की हरकत के चलते समाज में कलयुगी पिता को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बाप हमेशा धमकी देकर बेटी की बोलती को बंद कर देता था। पूरा मामला बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक बेटी ने अपने ही पिता शिव कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। लोकलाज के भय से वह पहले तो समाज में चर्चाओं को लेकर पीड़िता घटना को बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब हद हो गई तो पीड़िता द्वारा घटना के संबंध में अपने पिता द्वारा किए जा रहे कृत्य को अपनी माँ से रोकर अपनी आप बीती बताई। थाना छावनी पर एक उसी क्षेत्र की थाना छावनी क्षेत्र की रहने वाली महिला ने तहरीर दी कि उसकी लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, उसके साथ लड़की का पिता यानी उस महिला का पति ही पिछले 2 वर्षों से उसको डरा धमका कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। और इस संबंध में जब उस लड़की ने अपनी माँ को बताया तो माँ द्वारा थाना छावनी पर आकर लड़की के पिता यानी अपने पति के विरुद्ध तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना छावनी पर अंतर्गत धारा 376 और 506 भारतीय दंड संहिता एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।